हाँ जी बच्चे, तो लास्ट क्लासेस में हमने इंडिफरेंस कर्व स्टार्ट किया था, पूरा 1 आवर उसको अच्छे समझा, डिटेल में गए।
साउंड कब से नहीं है बच्चे? ये मेरे पास में 15 पे आया मैसेज, अभी 16 हो रहा है, मतलब अभी गया साउंड। हेलो, हाँ जी बच्चे देखो, तो यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो तीनों ही डायग्राम में आप इस चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि तीनों ही लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड है, जिसमें कि अगर आप एक का कंजम्पशन इंक्रीज कर रहे, दूसरे का क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो तो तीनों ही कह रहा है, पर तीनों में से इंडिफरेंस कर्व को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है? फर्स्ट डायग्राम। क्यों? क्योंकि इसमें एक अगर इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज तो हो रहा है, बट दूसरा जो डिक्रीज कर रहे हैं वो किसे? डिमिनिशिंग रेट से। तो यहाँ पर जो सेक्रीफाइसिंग रेट है क्या है? वो डिक्रीजिंग नेचर का है, डिमिनिशिंग MRS। बाकी इसमें इंक्रीजिंग रेट से सेक्रीफाइस हो रहा है, इसमें कॉन्स्टेंट रेट से हो रहा है। जबकि आप एक एडिशनल एप्पल के लिए नेक्स्ट टाइम जो सेक्रीफाइस करते हो, लेस बनाना सेक्रीफाइस करते हो, फिर नेक्स्ट टाइम एक और एडिशनल एप्पल के लिए बनाना लेस सेक्रीफाइस करते हो। ऐसे ही पढ़ा था लास्ट क्लास में हमने, तो इसलिए हमारा डिमिनिशिंग MRS होना चाहिए। तो इसलिए आपका फर्स्ट जो डायग्राम है वो इसके लिए है। तो ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। तो क्या कह रहे हैं? इंडिफरेंस कर्व आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। क्यों? एन इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS। MRS डिक्लाइन कॉन्टिन्यूसली बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। पढ़ा है हमने इस चीज को, क्लियर है? अब तो अपने फिगर को, यहां मैंने फिगर नहीं बनाया, जो आप बनाओगे उसका उसके अकॉर्डिंग उसको एक्सप्लेन कर देना। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। डाउनवर्ड होता है ना, क्यों होता है? क्योंकि अगर मैं एक एडिशनल एक्स गुड्स का एक एडिशनल यूनिट का कंजम्पशन करता हूँ तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल को मुझे सेम रखना है, तो फिर मुझे दूसरा क्या करना पड़ेगा? सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अगर मैं अपवर्ड डायग्राम बनाऊंगा ना, अगर मैं अपवर्ड डायग्राम बनाता हूँ, दिस वन, ये अपवर्ड हो गया, तो अपवर्ड डायग्राम बनाता हूँ तो अगर मैं इसका कंजम्पशन कर रहा हूँ तो दूसरा भी बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, आपको अपना टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल क्या रखना है? सेम रखना है। तो यहाँ पर अगर आप एक का कंजम्पशन बढ़ा रहे हो और टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल आपको सेम रखना है, तो आपको दूसरे को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। इसलिए ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड नहीं होता, लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड होता है। इट इम्प्लाइज दैट एज अ कंज्यूमर कंज्यूम्स मोर ऑफ वन गुड्स, ही मस्ट कंज्यूम लेस ऑफ द अदर गुड्स। इट हैपन्स बिकॉज इफ द कंज्यूमर डिसाइड टू हैव द मोर यूटिल्स मोर यूनिट्स ऑफ अ गुड से एप्पल, he will have to reduce the number of units of another good, says banana, so that the total utility remains the same, total satisfaction level remains the same. Clear hai? Higher indifference curve represents the higher level of satisfaction. Indifference curve jitna jyada higher hoga, satisfaction level bhi utna jyada hi hoga. Kaise? Dekho zara. एक इंडिफरेंस कर्व बनाते हैं, समझते हैं। ओरिजन एक्स वाई, गुड्स एक्स, गुड्स वाई, ठीक है। ये इंडिफरेंस कर्व फर्स्ट है, इंडिफरेंस कर्व टू है, इंडिफरेंस कर्व थ्री है, ऐसे बहुत सारे इंडिफरेंस कर्व है। तो जो ओरिजिन से जितना दूर है उसको उतना ही हायर इंडिफरेंस कर्व बोलेंगे। लाइक आईसी वन से दूर कौन है? आईसी टू। तो जो आईसी वन पे सेटिस्फेक्शन पर मिल रहा है वो पूरे के पूरे आईसी वन पे उतना ही रहेगा, बट जब आप हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाओगे आईसी टू पे, तो आप आईसी वन के कंपेटेबली आपको ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल आईसी टू पे मिलेगा। और जब आई सी टू पे जो भी है वो पूरा आई सी टू पे सेम रहेगा, फिर आप और हायर इंडिफरेंस कर्व पे जाओगे आई सी थ्री पे, तो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल आपका और भी ज़्यादा हो जाएगा। अब क्यों ज़्यादा हो जाएगा, ऐसा क्या है हायर इंडिफरेंस कर्व पे जो टोटल सेटिस्फेक्शन लेवल ज़्यादा कर दें? तो हमें लास्ट क्लास में समझा था इस चीज़ को, जैसे कि आपके पास में यहाँ पर वाई की इतनी यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, एक्स की इतनी,
अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ, ये थोड़ा सा और वो हो गया, अब मैं यहाँ पर देखो कि एक ए पॉइंट है, एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट आई सी वन पर है, बी पॉइंट आई सी टू पर है। आई सी वन पर देखो एक्स का कितना कंजम्पशन हो रहा है, दिस वन, और वाई के कितने यूनिट का कंजम्पशन कर रहे हो, दिस वन। और बी पॉइंट पर देखो एक्स का कितना कंजम्पशन हो रहा है और वाई का कंजम्पशन कितना हो रहा है, सेम। तो ज़्यादा कम्युनिटी कंजम्पशन ए पे हो रहा है, बी पे हो रहा है, बी पे, बी पे ज़्यादा यूनिट का कंजम्पशन हो रहा है, तो बी पे टोटल सर्कुलेशन वो ज़्यादा मिलेगा ना आपको, क्लियर है। इसलिए कहते हैं हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो हायर इंडिफरेंस कर्व देखो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स लार्ज बंडल्स ऑफ गुड्स। देखो हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट लार्ज बंडल ऑफ गुड्स, मतलब ये है कि जो बंडल है ना लाइक कॉम्बिनेशन, उस पर ज़्यादा गुड्स होते हैं। तो जो जितना ज़्यादा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होगा उस पर उतने ज़्यादा ही गुड्स होंगे, उसको को क्या कह रहे हैं, रिप्रेजेंट्स लार्ज बंडल ऑफ गुड्स। बंडल मीन लाइक एप्पल एंड बनाना को क्या बोल रहे हैं, बंडल बोल रहे हैं, ये ज़्यादा पाया जाएगा। विच मीन्स मोर यूटिलिटी बिकॉज ऑफ द मोनोटोनिक प्रिफेंसिस। जितने ज़्यादा कम्युनिटी कंजम्पशन करोगे टोटल सल्फेशन लेवल आपको उतना ही ज़्यादा होगा। कंसिडर पॉइंट ए आई सी वन एंड द पॉइंट बी ऑन आई सी टू। आइए डायग्राम के अकॉर्डिंग है, डायग्राम्स को छोड़ देना, आप अपने डायग्राम बनाना, उसको आप एक्सप्लेन करना, हर प्रॉपर्टी में अपना डायग्राम बना देना। आपसे कोई सारे तो पूछेगा नहीं, कोई एक दो पूछेगा, तो उसका डायग्राम बना करके और डायग्राम को फिर एक्सप्लेन करना चालू करना, अपने डायग्राम को पकड़ के। और क्या नाम रखते हो डायग्राम में वो आपके ऊपर है, जो नाम रखोगे उसको पकड़ के एक्सप्लेन करो। क्लियर है बच्चे? इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर, कह रहा है इंडिफरेंस कर्व, दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। चलो आइए देखते हैं अगर कर देगा तो क्या होगा। ठीक है, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर कह रहे हैं। y एक्सिस है, ओरिजन है, x एक्सिस है, गुड्स x, गुड्स y। देखो ये आई सी वन है बच्चे, ध्यान समझो, ये आई सी टू है। एक आप इंटरसेक्शन पॉइंट ले लो कोई सा भी, ये रहा एक ही तो पॉइंट है इंटरसेक्शन, P पॉइंट है। क्लियर है बच्चे? अब आप जो है दो पॉइंट और ले लो, आर और एस, अलग अलग इंडिफरेंस कर्व पे। ये आर है सेम इसी के सामने, ये एस है। मैं देखता हूँ पहले क्या समझो, मैं देखता हूँ कि आर पे कितना एक्स और कितना वाई बंडल का कंजम्पशन हो रहा है, ये एक्स और ये वाई आर पे। और मैं देख रहा हूँ x पे कितने x और y का कंजम्पशन हो रहा है, x पे, s पे, ये x, ये y। अब मुझे एक बार बताओ बच्चे कि r पे ज़्यादा बंडल्स ऑफ गुड्स हैं या s पे ज़्यादा बंडल गुड्स हैं। r पे कितना x, दिस वन, एंड y ये, और s पे x तो उतना ही है बट y ज़्यादा है। नहीं समझ में आया? r पे x कितना है, ओ एक्स, एंड y कितना है r पे, ओ वाई। और S पे, S पॉइंट पे आपका X कम्युनिटी कितना कंजम्पशन कर रहे हो, ओ एक्स, वो तो सेम है बट Y कितना कंजम्पशन कर रहे हो, ओ वाई। तो ज़्यादा कम्युनिटी कंजम्पशन कहाँ पर हो रहा है, R पे, S पे। तो S पे हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है। ठीक है, अब एक बार बताओ बच्चे, ये आपको पता है कि भैया S का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो R से ग्रेटर है, ये बात आपको कन्फर्म है, क्लियर है। अब यहाँ पर देखो पॉइंट P पर, पॉइंट P कहाँ पर है, कौन से इंडिफरेंस कर्व पर है, आर पर है, आई सी वन पे, आई सी टू पर है, पॉइंट पी। आप कह रहे हो आई सी वन पे है, दोनों पे।
तो पी, ये तो भैया आपका सेटिस्फेक्शन लेवल एक इंडिफरेंस का सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है, तो आईसी टू वाला अपना सेटिस्फेक्शन लेवल लेकर आ रहा है और आईसी वन अपना सेटिस्फेक्शन लेवल लेकर आ रहा है, तो एक ही पॉइंट पर इंडिफरेंस कर्व आप बोल सकते हो कि ये जो पॉइंट पी पर आपका आईसी टू का सेटिस्फेक्शन लेवल भी रिप्रेजेंट हो रहा है, आईसी वन का भी। तो क्या इंडिफरेंस कर्व का एक पॉइंट दो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंट करता है? नहीं करता ना, क्लियर है? करता है इंडिफरेंस कर्व का कोई एक पॉइंट? डिफरेंट इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, और एक इंडिफरेंस कर्व पर सेटिस्फेक्शन लेवल सेम रहता है, तो जो आईसी वन पे चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पे आईसी टू वाला सेटिस्फेक्शन लेवल भी आ गया, तो एक पॉइंट पे तो डिफरेंट लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल है जो कभी भी पॉसिबल नहीं है, इसलिए इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर। क्लियर है बच्चे? इंडिफरेंस कर्व्स नेवर इंटरसेक्ट टू ईच अदर एज टू इंडिफरेंस कर्व कैन नॉट रिप्रेजेंट द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। समझ में आया? दो अलग अलग इंडिफरेंस कर्व सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन लेवल रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं। दे कैन नॉट इंटरसेक्ट टू ईच अदर, इट मीन्स द ओनली वन इंडिफरेंस कर्व विल पास थ्रू अ गिवन पॉइंट ऑन द इंडिफरेंस मैप। क्लियर है? इंडिफरेंस मैप पे सिर्फ अलग अलग इंडिफरेंस कर्व रहेगा, वो जरूरी पैरेलल हो बट इंटरसेक्ट नहीं करेगा, जिसने उसी चीज़ों को क्या करा एक्सप्लेन।